स्वास्थ्य विभाग सिरसा के पास कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। कुल 7720 वैक्सीन सिरसा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर तैयार है। कल 16 जनवरी को सिरसा जिला के 4 बूथों पर टीकाकरण किया जाएगा। बाकायदा आज स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण का अभ्यास भी किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 जनवरी को वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। प्रधानमंत्री बूथ से सीधा जुड़ेंगे। ऐसे में कल का दिन स्वास्थ्य विभाग के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। सिरसा नागरिक अस्पताल के अलावा डबोवाली, रानिया, एलनाबाद केंद्रों पर भी टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना की वैक्सीन जो है वो हमारे पास कल शाम को आ गई थी और 7320 हमारे पास डोजेस टोटल हमारे पास यहाँ पे आई हैं। यहाँ के लिए हमने कल जैसे 16 तारीख को हमारा इनॉग्रल है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे 4 सेंटर हमने बनाए हैं। एक तो सिविल हॉस्पिटल सिरसा में, सिविल हॉस्पिटल डबवाली के अंदर, सब डिविजनल हॉस्पिटल एलनाबाद और CSC रानिया। हर जगह पर 100-100 डोजेज़ कल हमारे यहाँ पर लगेंगी। यहाँ से सीनियर सुपरवाइजर्स सिविल सर्जन साहब की तरफ से अपॉइंट कर दिए गए हैं हर एक जगह के लिए। वो कल सुबह अपनी वैक्सीन और बाकी सामान लेके वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद इनॉग्रेशन के बाद वहाँ पे जो है वैक्सीन लगानी शुरू की जाएगी। तो आपने आप डेमो भी किया था, क्या डेमो सफल हो पाया, कैसा रिजल्ट डेमो का? आज हमने एक जैसे हमारे किसी को अगर मान लो कि कोई वैक्सीन लगती है उसके बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह से डील किया जाएगा, इसके लिए आज हमने एक मॉक ड्रिल की थी। एक फर्जी पेशेंट बना के उसको हमने वैक्सीन लगाया, उसके बाद उसको सांस की तकलीफ हो गई। एम्बुलेंस का हमने जब यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया था कि एम्बुलेंस आपके पास 15 मिनट में पहुँच जाएगी, तो जब एम्बुलेंस पहुँची तो हम यहाँ पे उनका टाइम रिकॉर्ड किया है, तो हमें ये देखने को मिला है कि 10 मिनट के अंदर उन्होंने पेशेंट के अंदर जो भी ड्रिप वगैरह लगनी चाहिए, ऑक्सीजन लगनी चाहिए या वेंटिलेटर का सारा सामान उसके पास आना चाहिए, वो पूरे 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस के पहुँचने के अंदर उनको लग गया था। तो ये हमारे लिए एक बहुत एक सफल प्रशिक्षण रहा है हमारा, और हम कोशिश यही करेंगे कि आगे भी अगर कोई इस तरह की आपदा आती है तो हम उसके अंदर इसी तरह का अपना शो दिखाएं। प्रथम चरण में सर हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्करों को लगाई जाएगी, उसके बाद क्या जी सबसे पहले तो जैसे 16 तारीख को हमारा कल का प्रोग्राम है तो हेल्थ जो वर्कर्स हैं, सेल्फ स्टाफ है, उनको लगेगी ये। और ये जब तक हमारे पूरे 7000 हमारे वर्कर्स जो हैं उनका जो सिरसा के अंदर उनका ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद हमारा सेकंड फेज चलेगा जिसके अंदर फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे ULB के हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं जो आगे काम करते रहे हैं, उनको ये लगेगी। उनका डेटा जो है कंपाइल किया जा रहा है और जल्दी ही वो डेटा पूरा हो जाएगा। तीसरे फेज़ के अंदर 50 साल से ऊपर अगर किसी को डायबिटीज़ या किसी को हाइपरटेंशन की तकलीफ है उनको तीसरे फेज़ में लगेगी, उनका डेटा भी कलेक्शन किया जा रहा है। तो सर कोरोना का संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ, हालांकि सिरसा में आंकड़े बहुत कम ही आ रहे हैं, लेकिन लोगों में क्या बचाव की आप एहतियात बरतने के निर्देश देंगे? देखिए जो कोरोना है ये एक नया वायरस है, इसके ये किस तरह से रिएक्ट करेगा किसी को नहीं पता। लोग कह रहे थे कि गर्मी आएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि अक्टूबर सितंबर के अंदर इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप रहा और अब भी सर्दियों के अंदर भी ये कम नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ अभी भी स्प्रेडिंग केसेस आ रहे हैं, पर वायरस कब अपना रूप चेंज कर लेगा और कब सेकेंड वेव आ जाएगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एहतियात रखना अभी भी ज़रूरी है, मास्क लगा के रखें, उसके बाद जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग है और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आप फॉलो करें तो ही इसका आगे बचत है। इवन वैक्सीनेशन के बाद भी जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आपको अपने मास्क को तो लगा के रखना ही पड़ेगा।